अलमीन के कर्मचारियों को मिले इंसाफ, किसान संगठन का आग्रह। आज किसान संगठन जय जवान जय किसान बीजापुर घटक की ओर से बीजापुर जिला अधिकारी को मनी पत्र देकर कई सालों से अलमीन में काम कर रहे कर्मचारियों को अलमीन से निकाला गया है और उनकी जगह नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। जल्द से जल्द निकाले गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने का आग्रह किया गया, वरना आने वाले दिनों में अगर इन कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी किसान संगठन के पदाधिकारियों ने। इवत ना अलूमिन कार्य एला कूली कार्मिक संबंध नम संघटने न्याय कंदे नानू मोतिराम धर्मू चव्हाण जय जवान जय किसान रईत संघ राज्य अध्यक्ष अदर संबंध इवर बंदे नावे इवर संबंध मनी हिंदे इवर होराट निे ना भी अलग होराटक होगी किलो अधिकारी आगली एम पी एम एल आगली लीडरगली एलू सीरी और होराट हिं तक आमेल केस को सूम निम्तीस को तेदार या तेदार कोगण एलिए बी बंद बेतार या बेतार नावेल कोगणार इवर यार नम गन इवरें देशद्रे देशदर्गिन जन ऐन अद्वुड याकंद्रे मदले मालक तीरक इवेल घटने नड़ीतव अली बारे होस जन बरता दुड को दुड यार कोतार दुड यार को तगद हाँतार अदर संबंध इव तड़ी हिड़ी लेबर आफीसर बंद कैसी एन तड़ी हिड़ी ना सत्याग्रह मातीव इदल दुड होराट उग्र होराट मातीव नम संघटने वत जन बर्ती ना बंद कैसी दुड उग्र होराट मातीव इवि न्याय सिगली ना नहीं कुड़ीवती हिडको इव ऊट मांगू नम रईत संघद्रगली इवर जन ना सत्र इले सायतीव ना डी सी आफीस मुदे इले सायतीव इले इर्ती अनक इले होवत्न हेतार केतीन इवत कारू बगरसली ना मुं दौडवा रोड स्ट्राइक मेन रोड स्ट्राइक अदर संबंध नावेलू इवरेलू न्याय सिगे वे उद्देश्य नम्द्रेन नम राजकीय इलाेन इून यहा विषय भी इवर ऐन मान्य अधिकारी बे तेली कटसको इू आगे अवेन ना दवाखान कीली हाकलाक रेडी मैं इदू सरकार जवाबदारी सरकार इदर मेल गमन को लाइसन को सरकार इतवरी उद्यमी इवरी दुड म सरकार इतव इकनरे जन ऐन ना मेन होणिबार सरकार इव ना यारू होणिबार याकंद्रे इवती हिडको ना यारू ऊट को ऊट तक नहीं कुड़ियां इले कुतीलू सीरी इकनू हेच्चु कमी आर जन सरकार होणिबार सरकार इवतर लाइसन रद्द में इवि केस लाइसन चालू इ इवत केस इडली कीली हाँबिटी ऐन मंदिर नूरा मूव मंदी हाँ तौंद को अदर हद्द मंदी हाँ नन गल जन हेबूद याकंद्रे नमरेन अद्र नावे बैंक महिति तक महिति तक कैसे नम एर दिवस निम्दी ना नमद भी लायर लायर बरतार नम रईत संघ लायर लायर बर्तन लायर बंद कैसी ना महिति तक कल्सदीन मुंजा हिड़द अदे केस अवन इतक कॉर्टी होगी केस और बेलगाव मान्य लेबर आफीसोलग होगा मान्य अधिकारी ऐनार नहीं कॉर्टी बेलगाव हो जन कॉर्टी होता स्वामी ऐन इवरी ऊट मे गति इवरी वर्नूर रूपाय आगे इवरी दुड़ी दुड़द्रेने दुड्स दुड़ी इवरी ऊट मकल ऊट हाकल साली फीस कटक दुड इंत सिटी वो मनी बाडी मूलूमक त्रासगर भी इले बेलगा हि बेलगाव यार हो हाँ नम पर्वा केस आड़ी और सरकार मिली और तनक बेलगा होगा तनक ना केस डिक्लेर आगो तनक आ दवाखानी ऐन अब जम बाकल हाँतीव ना इवत कने अधिकारी केतीन केंद्र सरकार के लेटर बर्दी राज्य सरकार के लेटर बर्दी इवर राज्य सरकार केंद्र सरकार और मेल कर्म तक ना अस्टू संघटने इवत ना सुशु जन बंदी अस्टू 18,000 जन बर्ती जिलदीन जन बर्ती बंद कैसी इले ना स्ट्राइक मूंतीव मेन रोडे स्ट्राइक मातीव ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋತಿರಾಮ್ ಧರ್ಮು ಚವ್ಹಾಣ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಹಮೇ ಸಬ್ ಅಲ್ಲಮಿನ್ ಕೆ ವರ್ಕರ್ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಬಹುತ್ ಬೇಇನ್ಸಾಫಿ ಹುಯಿ ಹೈ
और हमारा ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर है सो है कि बेंगलुरु से ये परमिट हो सो है और पेमेंट भी ज़्यादा बढ़ी तो मिनिमम 77 लोगों का परमिट हुए सो है जो 15 साल से 17 साल से रह रहे तो उनका हुए, बाकी के जो 2 साल 4 साल रहे सो वाले का नहीं हुए, उनकी पेमेंट बढ़ी तो इन्हों हमारे साथ क्या करेंगे मालूम होने के बाद तुरंत पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह और अटेंडेंस डालने की हाजिरी जो रहती है सब उन्होंने गायब करके छोड़े। हमारा प्रूफिश नहीं है, हमारा क्या भी यश नहीं है कि सर को उड़ा छोड़े हमारा वहाँ तो उन्होंने क्या बोलते हैं हमें इनको संबंधिश नहीं है, हमें इनके वर्कर नहीं है, अब भी आए सो इन्हें पहचान बाहर से आपको इन्हें आवाज़ कर रहे हैं कर बोल को ऐसा दिखा रहे इन्हों हमारा क्या भी वजूदिश नहीं है अल्लाह मीन से ऐसा बता रहे इन्हों। यहाँ एक दो जने रहे तो एक बात अलग थी, पूरे 150 लोगों का मामला है यहाँ, एक ही जगह काम करते हैं हमें शिफ्ट है हमारी थोड़े जने की और बिलाल सर देखो इनका क्या है इन कौन से पोस्ट पर है हम ना मालूम नहीं है दोनों भी हमें जो नो इद्रिस बख्शी और इलाज बख्शी के पास नहीं कहते कौन संबंधिश नहीं तुम नगर गुड़ाक मार रहे नो पूरे 150 जने हैं देखो लेडीज और जेंट्स मिला कुछ हमारी मांग देखो जो उनका हक मिले सो है 70% जने का जो हक मिले नहीं उनका उनके साथ इंसाफ होना और बाकी वाले रहे सो लेंगे जो पेमेंट बढ़ी वो पेमेंट देना उन्हों। अब इसके अंदर देखो गरीबा भी है यतीम भी है बेबस लाचार लोग भी है तो ऐसा उनके घर कैसा चलना मिनिमम 5,000 के बारे में इनको हर तरफ से टॉर्चर किया जाता है क्या क्या काम के बारे में कर को आता लेट एक बात 10 मिनट लेट हुआ तो उसके बारे में होता और एक बात ऐसा छुट्टी करे कर को बोले तो पेमेंट भी कट होती क्या और 5-10 मिनट काम खत्म हो को बैठे के बाद और दूसरे जगह लगाने का मतलब बट सुकून नहीं है वहाँ हर तरफ से टॉर्चर। गरीबों के वास्ते जो उनके रिलेशन आते हैं जो रिलेशन आता है उनके वास्ते है और अभी भी फिलहाल हमारे सर्विस लोगों की इतनी हुई तो भी अभी तक उनका परमिट करने का नाम नहीं है जो उनके रिलेशन है उनको रिलेशन वाले को डायरेक्ट परमिट करें हमने मालूम भी नहीं है और ना उनके डॉक्यूमेंट्स भी मालूम नहीं उनका क्या है उनका उनकी सर्विस करती हुई क्या भी नहीं है उनका ऑन द स्पॉट करें ये हमारे साथ बेइंसाफी है। और टोटली उनके रिलेशन में 5 जने परमिट हैं एक यूनुस है और बाकी वाले के क्या नाम है हमने मालूम नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर है और ड्राइवर है इन्होंने ही तो आए थे पहले हमें इससे पहले भी 15 दिन स्ट्राइक करे थे तो जय कर्नाटक के आए थे और हमीद मुशरिफ भैया उन्होंने आए थे इसाक मुशरिफ उन्होंने आए थे सज्जाद मुशरिफ आए थे और किसका भी रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने तनवीर पेरा भी आए थे किससे भी रिस्पांस नहीं दिया हालांकि बाहर बुलाया को बुलाए तो भी उन्होंने अंदर उससे बाहर नहीं आए उन्होंने क्या उस टाइम में मिरिंडा भी हमने बहुत तकलीफ दिए ये लेडीज औरत एक मामूली तारत को जाना रहा है तो उन्हें अंदर नहीं भेजे सोला है बाहर रोड के ऊपर बैठो बोले कि औरत की इज्जत नहीं है पूरे औरतों की इज्जत नहीं हमारे पूरे हॉस्पिटल में रिस्पॉन्स नहीं क्या अभी उनकी वैल्यूएशन नहीं है खाली कचरे के टाइप में है यहाँ। डीसी ऑफिस में देखो हमारा हक हमें मांगना चाह रहे और हमारे साथ जो बेइंसाफी हो रही है हमारे साथ ज्यादती हो रही है इसे हमें मिलना इसके बारे में हमें उन्हें इंसाफ करना आगे इंसाफ नहीं मिला तो ऐसे लड़ाई जारी रखते हमें कोर्ट तक जाते हमें हाईकोर्ट तक जाने तैयार है लेबर कोर्ट वाला आपको भी बोला तो उसे भी नहीं ये करे उसके सामने चुड़ाक मारे बाद उन्हें भी गया कि तुम्हारे पास जो काम करे सो प्रूफ रहे वो ला को दो मैं आगे सबमिट करके तुम्हारा केस डाल दूं करके तो बेंगलुरु जाओ ऐसा बात करी उन्होंने हम ना और चंद जना को ऐसा करे गरीब है इसमें थोड़े हस्बैंड नहीं सो वो एक लेडीज है गरीब उसका माँ उसका तो फोन भी नहीं है आगे पीछे उन्हें हमें 10-12 जने को स्ट्राइक बैठे बोल को ऑन द स्पॉट कार्ड को बैठे आज को मैं 7 महीना रनिंग है मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ मेरा भी हस्बैंड नहीं है मैं भी अकेली शराब खाता हूँ बच्चा अंगले को ऐसे गरीबों के ऊपर बहुत सारे क्या भी गलती नहीं सो एक क्या भी एक निमित रखने का निकाल को छोड़ने का ऐसा करती हैं तो ये सही है कि गलत है तो मैं इसका इंसाफ है हमने दिलाना है डीसी ऑफिस और सुप्रे जरा इतने वत्ते बात काम करा लेते हैं लेडीज को नाम आगे कर छोड़ते हैं पूरा पूरा इज्जत निकाल को छोड़ते हैं उनकी क्या कामाश नहीं करते ऐसे ही वैसे हैं बहुत तो इस्ती करते हैं और पूरा हमारा इंसाफ है तक हम यहाँ नहीं जाते यहाँ से हटते नहीं हमें मेरा नाम सलमा है।
ना आलमिंद हद्द वर्ष आती किलस नमगंत्र ये मतडा रही नमगंत्र पेमेंटू बे मतडबेड़ता रही पेमेंट बे कत्र बेरे कड़े होंग्री कल ना पेमेंट को मालिक हो रही रही मत और सुप्रेजर ना किलस अर्ध किलस आदक बारे वाड़ी हो रही कल्स्तार रही नमग नमगी अद हद्द वर्ष किलस गे बिलाल सर मतडियार रही ना और लेबर कोट सर बर और जोति कॉलेज होगी नावेलू होंगे अलगे कूत्यव रही होरगे कूत बड़क और ऐनू इले वर्कर इलांतरी और वर्कर हंगा रही ना इशु वर्ष किलस नमदे लिस्ट तगीलक हतरी अल नोड़ी अंदेवरी ना कैमरद नोड़ी नोड़ किस नम्बर हेड़ी नमदन निर्णय बगे हरसोग्रीवरी मत और हिड़ू इलाद्री इक बेंगलूर को हि वो लिस्ट मिसंद्र कल्स रही अभिप्राय नमदल नमदे आगे बंद पर्मिट अंत अली नम पेमेंट जास्ती हर अली नमद बंद अस्ट मूर् दिवस आती मूर् दिवस बंद नमग हल रिटर्न नमग एर दिन मूरने दिन नम कल मेन तेदार हत दिवस नंर केस बरबैड अंत केसक बरबैड सर बिलाल सर बिलाल सर हेर बिलाल सर हेर जिलाधिकारी ऑफिस के सामने ये जो एम्प्लॉज जमा हुए हैं अलमीन के अंदर पिछले 10-12 साल से आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। आप सबको जैसे कि मालूम है कि 7 महीने पहले या 6 महीने पहले हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ का भी स्ट्राइक हुआ था बारिश के अंदर। वो स्ट्राइक जो है तकरीबन 11 दिन चला। हमारे जो भी डिमांड्स थे एक भी डिमांड पूरा नहीं हुआ। हालाँकि हमारे बीजापुर के जो भी लीडर्स हैं या मौलाना होंगे उन्होंने आ को हमारी स्ट्राइक ख़त्म कराए लेकिन एक भी मसला आज तक हल नहीं हुआ। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज़ हैं पिछले 10-12 साल से जहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये के अंदर, और 8 महीने पहले एक लेबर ऑफिसर बीजापुर के जो हैं उन्होंने आ को कैंपस को विजिट करके इनकी पूरी माहिती ले को केस चला को उनका जो भी 77 एम्प्लॉयज़ को जो है कनिष्ठ वेतन मिनिमम वेज देना बोल को ऑर्डर करे उन्होंने। उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि ये लोगों को मिनिमम वेज देना बोल के मालूम होते ही सब लोगों को निकाल दिए। कल से इनको अंदर आना नहीं बोल के ओरली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बोल दिए इनको। और यहाँ तक के लेबर ऑफिसर कल अलमीन को विजिट भी करे इन्हों वहाँ धरने पर बैठे थे तो विजिट करने के बाद में उनके सामने अलमीन के जो भी जिम्मेदार हैं बीजापुर के या कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको क्या बोलते हैं हमारा क्या भी संबंधित नहीं नो हमें देखे नहीं है लोगों को। और माफ़ करना कि ऐसे ऐसे बुरे बात हम बोलते बोले उनको आप चाहे तो औरतों को पूछ सकते हैं। नहीं हमें सब सुने हैं इनको 150-200 बोले तो मैं कौन से भी बड़े काम के नहीं है नो झाड़ू पोछा और ये सब छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी पालने वाले। आज एक सरकार आदेश करी उनको 12,000 रुपये पगार दो उनको रेगुलर करो बोल को और ये लोग रेगुलर करना मिनिमम वेज तो देना तो दूर है तुम्हें हमारे एम्प्लॉयज इतने ही आज के बाद हमारे कैंपस में पहुँच नहीं रखना बोल को जब हकार रही तो इनके साथ जो नाइंसाफी हुई माननीय जिलाधिकारी साहब अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए जैसे कि हमारे रईत संघ के जो अध्यक्ष जो बोले हैं आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होराट होने वाला उनके साथ हम भी लोग जुड़ने वाले उनके साथ कम से कम 600 से 700 हमारे एम्प्लॉयज पूरे जुड़ते हैं इनके साथ जुड़ को ये मसला जो है आलमीन दिल्ली तक ले जाते हैं। आलमीन का मसला अगर जल्द से जल्द सरकार इसको सीरियस इंटरफेयर ना लेबर डिपार्टमेंट को ये मैं आपके सामने मुंह पे आपके कैमरे पे बताना चाहता हूँ ये लेबर कमिश्नर के वर्ड्स हैं। आलमीन के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हिंदुस्तान का कानून नहीं मान रहे अफगानिस्तान का कानून मानने वाले हैं इनको बोल को गए इन्हों तो ये यहाँ तक मसला जा चुका है। मैं जल्द से जल्द इसके सब लोगों का मसला हल होने की उम्मीद करता हूँ और मैं सारे बीजापुर लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गरीब औरतों को देखकर आप भी हमारे साथ जुड़िए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बस ये बात बोल के खत्म है। मेरा नाम मुजाहिद औटिया है मैं आलमीन नॉन टीचिंग यूनियन का अध्यक्ष हूँ वहाँ पर। हालाँकि 12 साल तुम्हें यकीन नहीं है तो हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं
उनको जाकर पूछे तो इनकी क्या काम कर रहे हैं, इन्हों कितने दिन से काम कर रहे हैं, हर चीज़ बताते हैं। लेकिन ये लोग जो लोकल लोग जो हैं बीजापुर के, इतना गिर गए। एक माँ बहने जो हैं वो अपने विधवा हैं, अपना सब कुछ, बच्चों को, अनाथ बच्चे हैं, वैसा को इन्हों आज के तारीख में बोल रहे हैं हमने क्या भी संबंध नहीं गया, तो इनके इसमें इंसानियत नहीं है। और इन्हों मैं बोलना चाहता हूँ, इन्हों मुसलमान भी नहीं है, और हमारे रईत संघ के हिसाब से जो इन्हें हिंदू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने इंसानियत बिसर गए उन्हों। तो मैं आप सबके मुकांतर माननीय जिला अधिकारी साहब को आज हम जो मानवी देने जा रहे हैं, अगर ये हमारा मसला जल्द से जल्द इनका होंदे हमारा होंदे, हमारा तो मसला कोर्ट को गए करके बोल रहे हैं, ठीक है इनका क्या हुआ था, क्या इन्होंने गलती करे, क्या चोरी करे, ईमानदारी से 5,000 रुपये में राब रहे हैं, इनको कल ड्यूटी पर नहीं आना करके बोलते हैं, बोले तो क्या भी ये देश के अंदर कानून है कि नहीं है, इनको पूछने वाला कौन तो है कि नहीं है इनको। दूसरा सवाल है, ये 150 लोग